नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। यूपी में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामले देखने को मिल रहे हैं। यूपी सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,895 नए मामले देखने को मिले हैं। इस तरह से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 67,335 हो गई है। अब तक यूपी में कोरोना संक्रमण की वजह से 4600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की बात करें तो केवल यूपी के लिए ये आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। यूपी सरकार लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ चल रहे अभियान का जायजा लिया। सीएम ने इस मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए कि हर जगह कोरोना टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाए। सीएम योगी ने उन जिलों पर खास ध्यान देने को कहा जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ जैसे जिले शामिल हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और भाजपा सांसद रवि किशन के बीच भिड़ंत देखने को मिली है। आपको बता दें कि सोमवार को भाजपा सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा उठाया था। इस पर जया बच्चन ने कहा था कि कुछ लोगों के चलते पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। इस पर रवि किशन ने पलटवार किया कि जया जी से ऐसी उम्मीद न थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का आदेश दिया। उनके इस फैसले से एक्ट्रेस कंगना काफी खुश नजर आ रही हैं। कंगना ने ट्वीट कर सीएम योगी के इस फैसले का समर्थन किया है। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा था कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। कमला रानी वरुण की कोरोना से मौत के बाद खाली हुई कानपुर की घाटमपुर सीट पर उपचुनाव का बसपा प्रमुख मायावती ने बिगुल फूंक दिया है। मायावती ने दिल्ली में एक बैठक के दौरान बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे कुलदीप संकवार को घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि संकवार बसपा में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। 3 बार वे कानपुर देहात के अध्यक्ष रहे हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी उन्होंने बसपा को अपनी सेवा दी है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।